हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन एंड वेलकम बैक टू डेटा सफिशिएंसी की इस सेशन पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दिस इज द सीरीज वन। आगे चल के और चार सीरीज आएंगे, मतलब कुल मिला के आप बता सकते हैं कि पांच सीरीज में आपका ये डेटा सफिशिएंसी का कोर्स खत्म होगा। दिस इज एज सेम एज डूइंग ए क्लास, तो आप इसको बेसिक से समझिएगा दोस्तों। और आने वाले सेशंस में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब डेटा सफिशिएंसी होता क्या है, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, क्या टिप्स मैं आपको सबको दूंगा और कैसे इसको डील करना चाहिए कि आप ओरली भी डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सभी को सब कुछ वो सीखने को मिले जो शायद वो अप्रोच आपने कभी सुना ना हो। तो सबसे पहले बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल अन अकेडमी में फॉलो कर सकते हैं। मैं बार बार ये चीज़ों को दोहराता रहता हूँ क्योंकि मैं उन सेक्शंस को ही डील कर रहा हूँ जो सुनिश्चित है एग्जामिनेशन में आने के। मतलब कैसलेट डीआई तो पक्का हर एक प्रीलिम्स में भी देखा जा रहा है, तो मैं इसको मैंने डील किया हुआ है अनअकैडमी में। अब बन रहा है मिसलिनियस के दो पार्ट्स में बना चुका हूं, बाकी तीन पार्ट्स होगा तो पब्लिश हो जाएगा अनअकैडमी में। अब यहां पे जो डील कर रहा हूं यूट्यूब के चैनल पे, जैसे कि ये यहां पे क्या है, डेटा सफिशिएंसी में डील कर रहा हूं, तो डेटा सफिशिएंसी भी पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो वही पढ़िए ना जिससे आप पार हो सकते हैं, ठीक है? तो सिलेक्ट करेंगे और इलेक्ट करके हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहीं पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी में ढेर सारे लेसन आने वाले, तो ये तो बस शुरुआत है। तो चलिए बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। और देखिए, डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा चीज है जो आपको कुछ सवाल दिया होगा, शायद उस सवाल में वो कुछ ग्लोबल इंफॉर्मेशन भी दी हुई होगी। अब उसके साथ दो स्टेटमेंट्स आपको दिया हुआ होगा, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। अब क्या बोलेगा कि स्टेटमेंट वन से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं क्या, स्टेटमेंट टू से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं क्या? याद रखिए, जब आप स्टेटमेंट टू को पढ़ोगे तो भूल जाना स्टेटमेंट वन आपके दिमाग में भी नहीं होना चाहिए। दैट मींस अगर आप स्टेटमेंट टू को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में स्टेटमेंट वन नहीं होना चाहिए, अगर आप स्टेटमेंट वन को पढ़ते हो तो स्टेटमेंट टू आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। यानी आपको इंडिविजुअली हर एक स्टेटमेंट को डील करना पड़ेगा। अब मान लो कि स्टेटमेंट वन से आप इस सवाल का आंसर नहीं कर सकते तो इसको भूल जाइए, अब स्टेटमेंट टू पे आइए। अब मान लो कि स्टेटमेंट टू से भी आप इस सवाल को आंसर नहीं कर सकते तो इसको भी भूल जाइए। अब तीसरा चीज क्या करोगे, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखना कि आप सवाल को आंसर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? जैसे हम दो तीन नंबर्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ टिप्स मैं इतना दूंगा दोस्तों कि यहां पे कोई लॉजिकल सिक्वेंस मत लगाना, ये कोई रीजनिंग नहीं है, दिस इज नॉट रीजनिंग। आप यहां पे कोई लॉजिकल सिक्वेंस मत लगाना, कोई जीके मत लगाना, कोई दिमाग में जो भी आपके चल रहा होगा कुछ भी मत लगाना, वही लगाना जो आपके सवाल में दिया होगा। बात समझ, जो गिवन डाटा दिया होगा उसको ही इस्तेमाल करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अब और एक चीज आपको बता देता हूं, ऑल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, यानी सब कुछ ज्ञान होना चाहिए। डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा है जो आपको टाइम एंड वर्क से भी पूछ सकता है, जो आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछ सकता है, जो आपको SI एंड CI से भी सवाल आ सकता है, जो हर एक मिसलिनियस से सवाल आ सकता है। यानी इसका कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई लिमिटेशन नहीं होता, यानी आपको हर एक नॉलेज का ज्ञान तो होना ही चाहिए। मैं आपको बता देता हूं हाउ इज इट डन। मैं आपको अभी बोला स्टेटमेंट वन को पढ़िए, अगर इससे आंसर बनता है तो अच्छी बात है, फिर इसको भूल जाइए, स्टेटमेंट टू को देखिए, अगर इससे आंसर बनता है तो अच्छी बात है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहां से ही समझा देता हूं, ऐसे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस में। ए ऑप्शन क्या कहेगा कि अकेला स्टेटमेंट वन ही मेरा आंसर दे पाएगा। बात समझिए, यहां पे सवाल दिया हुआ होगा, यहां पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुएंगे, मतलब स्टेटमेंट वन अकेला ही मुझे ये आंसर दे पाएगा, तो स्टेटमेंट टू की क्या जरूरत। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर चेक करना स्टेटमेंट टू, अगर ऐसा हो जाता है कि स्टेटमेंट टू भी अकेला दे पाएगा तो स्टेटमेंट वन की क्या जरूरत। यानी ये अकेले अकेले में ये काम कर ले रहे हैं, तो ईदर ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन गिव द आंसर इफ द डाटा ईदर इन स्टेटमेंट वन अलोन और इन स्टेटमेंट टू अलोन कैन गिव द आंसर। ये बात होता है। अब मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट वन से नहीं बना, स्टेटमेंट टू से लेकिन बन जा रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इफ द डाटा इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन डाटा स्टेटमेंट वन सफिशियंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब मान लो फिर वही सवाल, स्टेटमेंट वन दे पाया लेकिन स्टेटमेंट टू दे नहीं पा रहा है, मतलब स्टेटमेंट वन इज सफिशियंट, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब मान लो सवाल दिया है दो स्टेटमेंट, ये भी कर सकता है
और ये भी कर सकता है, मतलब ये क्या लगेगा, इधर लगेगा जो मैंने आपको बता दिया है। अब और एक सवाल, जैसे कि मान लो कि ये नहीं कर सकता अकेला, ये भी अकेला इस सवाल का आंसर नहीं दे सकता, लेकिन दोनों को मिला के अगर मैं यूज करूं तो सवाल का जवाब मिल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, डाटा गिवन इन बोथ द स्टेटमेंट्स, सॉरी ये पांचवा नंबर ऑप्शन होगा, आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। अब सवाल दिया है स्टेटमेंट वन अकेला से नहीं बना, स्टेटमेंट टू अकेला से नहीं बना, दोनों को मिला के बनाता हूं फिर भी नहीं बना, यानी आंसर ही नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशियंट अलोन टू गिव द आंसर्स। बात समझ में आ रही है, मतलब आपको सवाल समझ में आ गया होगा कैसा अप्रोच क्या करना है, आप तो पढ़े ही हैं पहले से। अब ये एग्जाम्पल को देखिए और मुझे बताइए तो आप इसको कैसे डील करोगे। इस सवाल को देखते हैं दोस्तों, सवाल दिया है इज दिल्ली द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, यानी इंडिया ये है और दिल्ली यहां पे कहीं है, और वो पूछ रहा है क्या दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी है क्या, माफ करिएगा पॉपुलेटेड सिटी है क्या, जनसंख्या उसकी आबादी ज्यादा है क्या, ये सवाल आपको दिया है। स्टेटमेंट वन को चेक करते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू अकेला अकेला चेक करेंगे पहले। द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की जो कैपिटल है इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, मतलब मुझे बोलो दोस्तों, मैंने आपको अभी क्या बोला, जीके नहीं लगाना, कॉमन सेंस नहीं लगाना, अपना जो ज्ञान है मत लगाना, लगाना क्या है फिर, जो गिवन डाटा है उसको लगाना। स्टेटमेंट वन पे बोला है कि इंडिया का जो कैपिटल है, इंडिया का जो भी कैपिटल है वो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अब सवाल क्या दिया था, क्या दिल्ली सबसे वाला आबादी वाला शहर है, लेकिन स्टेटमेंट वन में बोल रहा है कि इंडिया का कैपिटल सिटी सबसे आबादी वाला है, तो यहां पे थोड़ी ना बोला है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, यहां पे थोड़ी ना बोला है। आप क्या करते हो, आप सोचते हो नहीं इंडिया की कैपिटल दिल्ली है और कैपिटल ऑफ दिल्ली, सॉरी कैपिटल ऑफ इंडिया इन दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलस, यानी स्टेटमेंट वन अलोन सफिशिएंट, नो हाउ सफिशिएंट, क्योंकि स्टेटमेंट वन में थोड़ी ना कहीं पे बोला है कि दिल्ली कैपिटल है इंडिया का और वही सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, पॉपुलेटेड सिटी है नहीं बोला है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यानी स्टेटमेंट वन पे कहीं पे दिल्ली की जिक्र ही नहीं हुई है, तो जिक्र नहीं तो फिक्र क्यों, आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूं। अब स्टेटमेंट टू पे आते हैं, स्टेटमेंट वन अकेला आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि यहां पे दिल्ली की जिक्र ही नहीं की गई, और दिल्ली है क्या, नहीं है या नहीं, इसको इसके बारे में पूछा गया। अब स्टेटमेंट टू को देखते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल, स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि दिल्ली जो है इंडिया का, सॉरी माफ करिएगा, दिल्ली जो है क्या है वो कैपिटल है, दिल्ली क्या है कैपिटल है। अब दिल्ली कैपिटल है लेकिन दिल्ली पॉपुलेटेड सिटी है क्या, नहीं बोला है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, दिल्ली पॉपुलेटेड है या नहीं है, तो यहां पे जो दिया है दिल्ली एक कैपिटल है बस दिया है, और दिल्ली थोड़ी ना आपको दिया है कि पॉपुलेटेड सिटी है, तो स्टेटमेंट टू भी अलोन सफिशियंट नहीं है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं, यानी स्टेटमेंट वन भी अकेला काबिल नहीं है आंसर देने का, स्टेटमेंट टू भी अकेला काबिल नहीं है आंसर देने का। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं। सो अब तीसरा स्टेप क्या होता है, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, जस्ट मिनट मिटा देता हूं मैं, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है, दोनों को कंबाइन किया तो क्या दिखाई देगा। देखो कैपिटल ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सवाल भी ही वही पूछा था कि दिल्ली पॉपुलेटेड सिटी है या नहीं है, लेकिन कैपिटल ऑफ इंडिया बोल रहा है और यहां पे क्या बोल रहा है, दिल्ली इज द कैपिटल। अब मुझे बोलो, काफी बच्चे ये समझेंगे कि सर दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल क्या है, पॉपुलेटेड सिटी है, तो दिल्ली पॉपुलेटेड सिटी है, तो आप बोलोगे कि बोथ वन एंड टू सफिशियंट। मैं बोलूंगा गलत और एक बार गलत, क्यों, देखो इसलिए क्योंकि मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़े, यहां पे जो दिया है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, यानी ये बोला है दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल क्या है, पॉपुलेटेड सिटी है, तो दिल्ली पॉपुलेटेड सिटी है, ऐसा सोच रहे हो, नहीं जी यहां पे बोला है दिल्ली कैपिटल है, किसका कैपिटल है, बात समझ में आ रही है, दिल्ली कैपिटल है लेकिन किसका कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल करके दिया है क्या, यहां पे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये कैसे हो सकता है, बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, दिल्ली कैपिटल है मानता हूं कैपिटल है, लेकिन किसका कैपिटल है, अगर यहां पे लिखता दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया
एंड कैपिटल ऑफ इंडिया इज पॉपुलेटेड सिटी, दोनों मिलके आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ दिल्ली कैपिटल दिया है, मतलब इवन आफ्टर कंबाइनिंग द टू स्टेटमेंट्स इट इज नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? एक दो सवाल कर लेता हूं दोस्तों, कुछ सवाल मैं लिया हुआ हूं, काफी टाइम हो जाएगा, देखते हैं एक सवाल करते हैं, फिर बाकी जो सेशन होगा वहां पे मैं और आपको अच्छे तरीके से बढ़िया बढ़िया एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अप्रोच देखो यार, डाटा सफिशिएंसी आपको आंसर नहीं निकालना, आपको बस जानना है कि सफिशिएंट है या नहीं है, आंसर थोड़ी निकालना है आपको। आपको वहां पे बोला है क्या कि मतलब ए ऑप्शन 60% इज, बी ऑप्शन 80%, यार ए भाई ये सब नहीं करना, हमें बस चेक करना है कि सफिशिएंट है या नहीं है, अगर है तो उस हिसाब से आंसर करोगे, नहीं है तो उस हिसाब से करोगे। बात समझ में आ रही है? तो चलो इस नंबर को एक सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब दिमाग में होना चाहिए कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया गया है, पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अर्नड बाय सेलिंग ए कार, मतलब एसपी दिया है आपको कितना, 64,40,000। बात समझ, ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मैं स्टेटमेंट वन में भी लगाऊंगा, स्टेटमेंट टू में भी लगाऊंगा। स्टेटमेंट वन को देखते हैं फिर जाके स्टेटमेंट टू की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बोलो पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट। अब परसेंटेज प्रॉफिट होता क्या है, एसपी माइनस सीपी बाय 100, सॉरी सीपी इंटू 100। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। अब मुझे बोलो एसपी दिया है, अब सीपी अगर दिया हुआ होता तो ये सीपी भी डाल देता, अब दोनों को सॉल्व कर पाता। मतलब मेरा लक्ष्य जो होना चाहिए, सीपी निकालने का लक्ष्य होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट वन मुझे सीपी दे पाता है, स्टेटमेंट टू मुझे सीपी दे पाता है, तो फिर मेरा काम हो गया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? तो लक्ष्य जो है उसको मत भूलिए। लक्ष्य क्या दिया है दोस्तों, सीपी निकालने का लक्ष्य इनडायरेक्टली दिया है। अब चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट वन की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग द कार वाज दिस मच, यानी प्रॉफिट आपको दिया है 32,000। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 32,000। अब मुझे बोलो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी 32,000, यानी आपको यहां से सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, एसपी माइनस 32,000। अब मुझे बोलो एसपी दिया है कि नहीं दिया है, दिस इज ग्लोबल इंफॉर्मेशन, एसपी दिया है जो भी दिया है और ये जो भी है, तो यहां से मैं क्या निकाल पाऊंगा, सीपी निकाल पाऊंगा। लक्ष्य तो वही था ना, सीपी निकालना, सीपी यहां से निकाल पाऊंगा, तो स्टेटमेंट वन मुझे अकेला आंसर तो दे सकता है। बात समझ में आ रही है? अब स्टेटमेंट टू की बात कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द कार वॉज डबल दैट ऑफ सीपी, सेलिंग प्राइस ऑफ द कार एसपी जो है टू टाइम्स ऑफ सीपी है, एसपी जो है क्या है, टू टाइम्स ऑफ सीपी है। अब मुझे बोलो एसपी आपको दिया है कि नहीं दिया है, दिस मच, ये कुछ दिया है आपको, 6,00,000 कुछ ऐसा करके दिया है, टू से यहां कटा तो सीपी की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी, सीपी निकल जाएगी, मतलब ये भी अकेला मैं यूज करूं तो ये मेरा आंसर दे देगा। यहां पे स्टॉप कर जाना है, मतलब स्टेटमेंट वन मुझे अकेला इंफॉर्मेशन दे पा रहा है, स्टेटमेंट टू अकेला मुझे आंसर दे पा रहा है, अब कंबाइन क्यों करने का। जब मुझे बोलो एक इंसान मुझे गाड़ी दे देता है, दूसरा भी गाड़ी दे देता है, अब दोनों के पास जाकर मुझे भीख क्यों मांगना। आर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्टेटमेंट वन अकेला आंसर दे पाता है, स्टेटमेंट टू अकेला आंसर दे पाता है, दोनों अकेले अकेले में बिंदास है, मैं क्यों दोनों को फिर कंबाइन करूं, मतलब इधर ऑफ द स्टेटमेंट कैन गिव मी द आंसर। बात समझ में आ रही? अप्रोच, ये सब अप्रोच का खेल, आपको थोड़ी ना आंसर निकालना है यहां पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए अब ग्लोबल इंफॉर्मेशन यहां पे आपको लिखना है, अब मुझे बताइए ग्लोबल इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया गया है, ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया गया है, ये क्या है भाई, ओके, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, यानी बी अकेले कितने दिन में काम तमाम कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, आर अंडरस्टैंडिंग? अब देख लेते हैं यहां पे, बी और सी अगर मिलके काम करते हैं तो वो 8 दिन में काम कर जाएंगे, यानी बी और सी मिलके 8 दिन में काम तमाम कर देंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, अब यहां से तो कोई इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते, स्टेटमेंट टू देखते हैं, ए एंड बी टुगेदर, ए और बी अगर काम करते हैं तो वो 12 दिन में काम तमाम कर देंगे। मुझे बताइए आपको निकालना क्या है,
मुझे बताइए आपको निकालना क्या है, जस्ट अ मिनट, ये यहां से ओके आपको निकालना क्या है मुझे बताइए। देखो आपको निकालना है कि बी कितने दिन में काम तमाम कर देगा, मुझे बताइए। आपको तो पता है वर्क इज इक्वल टू डेज इनटू एफिशिएंसी, यानी डेज इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, बात समझ में आ रही है। डेज इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी मतलब इसका साफ तौर पे मीनिंग है कि हमें डेज निकालना है, हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है, ये निकालना है। तो वर्क हमें पता होना चाहिए और एफिशिएंसी पता होना चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी पता होना चाहिए। मुझे बोलो यहां से हमें सी की एफिशिएंसी पता है क्या, स्टेटमेंट वन से नहीं पता। अगर सी नहीं पता, एक ही इक्वेशन दी गई है, टू वेरिएबल्स हैं, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल्स तो दो इक्वेशंस चाहिए, तीन वेरिएबल्स तो तीन इक्वेशन चाहिए। यहां पे दो वेरिएबल्स यानी सी की कोई बात ही जिक्र नहीं की गई ना, क्योंकि सी कितने दिन में काम तमाम करे हमें बताया गया है क्या, नहीं ना। अब बी कितने दिन में करेगा हमें भी ये नहीं बताया, पूछा है ये, मतलब दो वेरिएबल्स हैं और एक ही इक्वेशन है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां पे देख लो ए के बारे में कुछ बताया गया है क्या, नहीं बताया गया है। बी के बारे में तो पूछा है, यानी ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। अब दो अननोन और एक ही इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। अब मुझे बोलो दोनों का कंबाइन किया, मिटा देता हूं थोड़ा सा, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। दोनों को कंबाइन किया दोस्तों, अब आ जा ओके, दोनों को कंबाइन किया तो मुझे बोलो कितने इक्वेशंस, दो इक्वेशंस। अब मुझे बोलो बी सी और ए कितने वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स दो इक्वेशन, कभी सॉल्व हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। दैट मींस इवन आफ्टर कंबाइनिंग स्टेटमेंट वन एंड टू आई कैन नॉट गेट दी आंसर, बात समझ में आ रही है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, सेशन काफी लंबा हो जाएगा, अब बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं मेरे पास, बिल्कुल आप इसको देखिए। आपको ये जो होमवर्क है, आपको ये होमवर्क दे देता हूं, बढ़िया होगा ठीक है। होमवर्क यानी आप कमेंट के बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, कमेंट बॉक्स इज ओपनड, प्लीज यार आप आंसर लिखते क्यों नहीं हो, आप बनाइए इस सवाल को। स्टेटमेंट वन सफिशियंट है या स्टेटमेंट टू सफिशियंट, या दोनों मिलाकर सफिशियंट, या दोनों नहीं होगा, तो ये सब चीजों का आंसर मुझे नीचे कमेंट के बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो होप सो गाइस आप इस सेशन को एंजॉय किए हैं, बिल्कुल लाइक ठोकना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा सेशंस और लेके आऊंगा जहां पे जितना डीएस आपको करवाऊंगा उतना तो 5 मार्क के सवाल तो आपको देखने को मिलेगा, यानी दिस इज वेरी मच नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसलेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज आप अनअकैडमी में भी कैसलेट के जो 5 लेसन डाला हुआ है कृपया जाके ईयरफोन लगा के देखिए, बस आपका सब कुछ हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए